तो प्रोटेक्शन मेथड का हम लास्ट एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी भी फाइल का ओपनिंग पासवर्ड कैसे लगेगा। देखिए फाइल आपके लिए बिल्कुल नई है, तो सेव या सेव एज करते समय ब्राउज में जब आप नाम वगैरह देते हैं उसी में सेव के जस्ट बगल में होता है टूल्स। अब सेव के बगल में हो सकता है या ऊपर भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, पर विंडो 10 के अंदर में सेव के बगल में ही होता है। इसी के आप जनरल ऑप्शन में चले जाएं तो यहाँ पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई होता है, जहां पे आप पासवर्ड ओपन करने के लिए डाल सकते हैं और मॉडिफाई करने के लिए डाल सकते हैं। मतलब किसी से आपको जस्ट फाइल देखना है तो आप उसको मॉडिफाई पासवर्ड बताएं ना, वो जस्ट फाइल को देखेगा, उसको यूज करेगा, लेकिन फाइल पे किसी तरह का चेंज, मतलब कि चेंज टाइप वगैरह कर देगा लेकिन वो सेव ही नहीं होगी फाइल। लेकिन इसके लिए फाइल को सेव एज करना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरी फाइल ऑलरेडी सेव्ड है, मैं सेव एज करके फाइल के अंदर जो लिंक्स वगैरह है, जो डिफरेंट डिफरेंट फाइलों से लिंक लगी हुई है, वो लिंक को तोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो फाइल को बिना सेव किए भी आप लॉक्ड कर सकते हैं, कहाँ, फाइल मेनू बार के अंदर, इन्फो के अंदर, यहाँ एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देखिए एनक्रिप्ट पासवर्ड, यहाँ पे आप अपना ओपन पासवर्ड डाल सकते हैं। तो हाउ, यहाँ पे जब भी ओपन करने से पहले उसको पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पे जस्ट ओपन पासवर्ड ही डाल सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की कंटिन्यूस वीडियो चाहिए आपको तो मेरी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरा मोबाइल ऐप का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करें।